कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बिल्कुल बैठ कर से होंगे। मैं भी अलहमदिल्ला बिल्कुल ठीक हूँ और मैं एक कुछ सी रेसिपी लेकर आपके घर में हाजिर हूँ। मैं चना चाट बना रही थी, सोचा तो आपसे भी रेसिपी शेयर करनी चाहिए। सबसे पहले मैंने ब्लैक चने लिए थे, उनको बॉयल कर लिया था अच्छे तरीके से सोडा डालकर, और कुछ दो आलू मैंने लिए थे उनको बॉयल करके काट के इकट्ठा मिक्स कर लिया है। उसके अलावा एक टमाटर है वो काट लिया था, एक हरी मिर्च है वो काटी है, एक प्याज है उसको मैंने काट लिया है, नमक की ज़रूरत पड़ेगी हमें, थोड़ा सा चाट मसाला, क्योंकि इसकी क्वांटिटी कम है इसलिए मैंने इसमें बाकी चीज़ों की क्वांटिटी भी कम दी। अगर आपके पास धनिया भी अवेलेबल हो तो आप उसमें धनिया भी डालें तो मज़े डाल देते हैं। सबसे पहले हम इसमें टमाटर हरी मिर्च ऐड कर देंगे। अब मैं इसमें प्याज डाल रही हूँ। प्याज को मैंने पानी में इसलिए रखे थे क्योंकि उससे इसकी तेज़ी ख़त्म हो जाती है और इससे इसकी स्मेल ख़त्म हो जाती है काफ़ी हद तक। अगर आपके पास लीमू अवेलेबल हो तो आप चाट मसाला ना भी डालें, सिर्फ नमक लाल मिर्च कुटी हुई और लीमू डाल दें तो उससे भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। मैंने इसमें डाल दिया और अब हम इसमें थोड़ा सा चाट मसाला ऐड करेंगे। चाट मसाला ऐड करें और अब मैं इसमें थोड़ा सा नमक डालूंगी। इसमें मैं नमक डाल रही हूँ, इसकी तरह अब मैं इसको तेल से मिक्स कर लूँगी। इसमें हम पापड़ी भी डाल सकते हैं, जो बाज़ार से पापड़ी मिलती है वो भी डाल सकते हैं। मैंने कल समोसे की रेसिपी दी थी, बनाई थी, उसकी जो पट्टी बनती है जो घर में हम बनाते हैं उसकी भी पापड़ी बनती है, वो पापड़ी भी हम इसमें बना के डाल सकते हैं, बहुत मज़े की बनती है। और हमारी चाट बिल्कुल रेडी है। मैंने मिर्चें वगैरह बहुत तेज़ नहीं रखी हैं क्योंकि हर इंसान तेज़ नहीं खाता, लेकिन अगर आप अच्छा है दूसरा ये कि इसमें अगर आप धनिया काट के डालते हैं तो वो बहुत मज़ेदार टेस्ट देता है। इसमें मेरे पास अगर अवेलेबल नहीं था लेकिन तो इस तरह भी बहुत मज़ेदार लगती है। बहुत ही जल्दी और क्विक रेसिपी है, आसानी से आप बना सकते हैं इसको और बच्चों को ये बहुत पसंद आती है, स्पेशली उन बच्चों को जो चटपटी चीज़ें शौक से खाते, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा अपने घर में। और अगर आप इसमें पापड़ी डाल देते हैं तो पापड़ी लदी भी इसमें बहुत अच्छी लगती है, ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कैसी लगी आपको छोटी सी क्विक सी रेसिपी। जल्द ही मैं एक छोटी सी रेसिपी के साथ दोबारा हाजिर होंगी और मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।